जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स की क्लास में। आज अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं अपन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये लेसन काफ़ी बड़ा लेसन है, इसके अंदर बहुत सारी डिवाइस अपन पढ़ने वाले हैं, जैसे गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं, बायो सावर्ट का नियम पढ़ेंगे इसमें अपन, है ना, और एम्पियर का नियम पढ़ेंगे, एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग को देखेंगे, बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग देखेंगे कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो इस चैप्टर में सबसे पहले स्टार्टिंग होती है ओरेस्टेड के प्रयोग से। ओरेस्टेड का प्रयोग, ओरेस्टेड का प्रयोग, अठारह सौ बीस में ओरेस्टेड ने एक प्रयोग किया था। उससे पहले वैज्ञानिक जानते जरूर थे कि एक विद्युत होता है और एक चुंबक होता है। ओरेस्टेड के प्रयोग से पहले 1820 में इसने प्रयोग किया था। इससे पहले वैज्ञानिक जानते जरूर थे कि विद्युत होती है और चुंबक होती है, लेकिन दोनों सेपरेट विषय समझते थे कि विद्युत सेपरेट है और यहाँ पे चुंबक भी क्या है, सेपरेट है। लेकिन ओरेस्टेड ने ये अनुभव किया कि विद्युत और चुंबक दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। उसके बाद में अलग अलग वैज्ञानिक आए, एम्पियर ने बताया अपने को, बायो सावर्ट ने बताया कि ये दूसरे एक दूसरे पे अटैच है, निर्भर है, विद्युत चुंबक पे निर्भर होती है, चुंबक विद्युत पे निर्भर होती है। फिर अपने को ये पता पड़ा कि जब आवेश स्थिर होता है, जब आवेश चार्ज जो है वो स्थिर है, मूवेबल नहीं है, मतलब वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, तब यहाँ केवल और केवल कौन सा क्षेत्र प्रोड्यूस होता है, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। कब, जब चार्ज जो है वो अपन ने कहीं पे रखा हुआ है, चार्ज गति नहीं कर रहा है, तब वहाँ पे केवल और केवल क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। लेकिन अगर आपने चार्ज को मूवेबल कर दिया है, चार्ज की वेलोसिटी जो है वो जीरो नहीं है, कॉन्स्टेंट नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो, तब ये चार्ज विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र और उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र और उत्पन्न करेगा। तो यहाँ देखो, रिलेटेड हो गया, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बन रहा है। कब बन रहा है, जब किसी आवेश को अपन गति करा रहे हैं। अभी गति दो तरह से हो सकती है, अगर आप नियत वेग से गति करा रहे हो और अनियत वेग से। तो यहाँ पे अगर बात करें विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र, तो ये नियत वेग से गति करता है। कितने वेग से गति करता है भाई, वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। पहले वाले केस में वेलोसिटी जीरो मतलब चार्ज जो स्थिर है, स्थिर चार्ज केवल और केवल विद्युत क्षेत्र बनाता है, गतिशील चार्ज, लेकिन नियत वेग से गति करता हुआ विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र और बनाता है। एक कंडीशन और होती है, चार्ज गति कर रहा है, वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बनेगा, विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र प्लस विद्युत चुंबकीय तरंगें और बनेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और बनेगी। कब बनेगी, जब चार्ज को आप अनियत वेग से गति कराओगे। अनियत वेग, अनकॉन्स्टेंट वेग, वेरिएबल वेग जब होगा और चार्ज गति कर रहा होगा, तब तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा, और चुंबकीय क्षेत्र बनने के कारण वहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बनेगी। इस केस में केवल विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है जब नियत वेग से गति कर रहा है, और जब कॉन्स्टेंट रखा हुआ है कहीं पर, चार्ज पड़ा हुआ है, पड़ा पड़ा चार्ज क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो ये सारी बातें जो आई अपने ओरेस्टेड के प्रयोग के बाद में आई। तो चलिए अपन स्टार्ट कर रहे हैं ओरेस्टेड का प्रयोग। ओरेस्टेड का प्रयोग क्या होता है, तो ओरेस्टेड ने एक सर्किट बनाया, ओरेस्टेड ने एक सर्किट बनाया की जोड़ी, उस सर्किट का संबंध कर दिया किसी कंडक्टिंग वायर से। ए बी यहाँ पे जो वायर है वो चालक तार है, ए बी जो है वो आपका चालक तार है जिसके अंदर से करंट फ्लो, ए बी यहाँ पे चालक तार है। अभी जैसे ही की प्रेस की इसने, तो यहाँ प्रयोग करने से पहले, अभी यहाँ पे की सबसे पहले प्रेस नहीं की थी इसने, और यहाँ पे जब मैग्नेटिक नीडल रखी गई, मैग्नेटिक नीडल क्या होती है, एक सुई होती है जिसके अंदर मैग्नेट होती है, वो सुई अपने को डायरेक्शन शो करती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, या नॉर्थ है या साउथ है अपने को बताने का काम करती है, इसको अपन कहते हैं मैग्नेटिक नीडल।
जब यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही, ओपन सर्किट है, और ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस जो होता है, ओपन सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, ओपन सर्किट रेजिस्टेंस खुले परिपथ का प्रतिरोध, खुले परिपथ का प्रतिरोध जो होता है वो होता है इन्फाइनेट। मतलब खुला परिपथ, यहाँ पे प्रतिरोध क्या हो गया, इन्फाइनेट, यहाँ पे कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो ये जो मैग्नेटिक निडल यहाँ पे रखी हुई है, ये विक्षेपित नहीं हो रही, अपने स्थान पे बनी रह रही है। सेकंड केस देखा, पहले वाले प्रयोग में इसने करंट फ्लो नहीं कराई तो मैग्नेटिक निडल अपने स्थान पे बनी रह रही है, अपने स्थान से थोड़ा भी विचलित नहीं हो रही है। सेकंड केस में देखा गया, सेम बैटरी, सेम की, सेम मैग्न मटेरियल का वायर, सेम मटेरियल का वायर, ए बी कंडक्टिंग वायर। इस बार इसने की प्रेस किए, करंट फ्लो होगी, जैसे ही करंट फ्लो हो रही है तो जो मैग्नेटिक निडल पहले रखी हुई थी, पहले वाली सिचुएशन से, वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो गई है, वो थोड़ी सी क्या हो गई, विचलित हो गई है। तो उसने महसूस किया कि इस ए बी वायर के चारों तरफ कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र बन रहा है जो इस मैग्नेटिक सुई को विक्षेपित कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक सुई के अंदर मैग्नेट है, यो तो ये सुई केवल और केवल मैग्नेट से ही विक्षेपित हो सकती है। तो उसने अनुभव किया, इसका मतलब ए बी वायर के चारों तरफ क्या बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। और प्रयोग किया उसने आगे, इसने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के लिए अगर मैं करंट को चेंज करूं, पहले नेगेटिव था, पॉजिटिव बना लिया, की वही है, सेम वायर है ए बी, लेकिन इस वायर के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है, इसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव थी, इसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव है, लेकिन इस बार जो मैग्नेटिक निडल है वो उल्टी दिशा में विक्षेपित हो गई। तीन केस है यहाँ पे, पहले की नहीं प्रेस की थी तब यहाँ पे मैग्नेटिक निडल कोई विक्षेपित नहीं होती है, की प्रेस की, करंट की डायरेक्शन बी टू ए है, तो मैग्नेटिक जो निडल है वो क्या हो गई, विक्षेपित। इसमें करंट की डायरेक्शन जैसे उसने चेंज की तो मैग्नेटिक निडल के जो विक्षेप की दिशा है वो भी बदल गई। इन तीनों के आधार पर, इन तीनों प्रयोगों के आधार पर उसने कुछ निष्कर्ष निकाले। तो ओरेस्टेड के प्रयोग के निष्कर्ष क्या क्या निष्कर्ष निकाले, सबसे पहला निष्कर्ष था कि जब किसी वायर के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कराओगे तो उस वायर के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। पहला निष्कर्ष था किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो पहला उसने निष्कर्ष निकाला कि जब करंट फ्लो करा रहे हैं तभी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। दूसरा निष्कर्ष निकाला, जब धारा का मान बढ़ाया जाता है, जब धारा का मान इंक्रीज किया जाता है, तब चुंबकीय क्षेत्र भी इंक्रीज होता है। जब आप धारा का मान बढ़ाओगे, मतलब बैटरी की कैपेसिटी बढ़ा दोगे, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक निडल है वो थोड़ा ज़्यादा विक्षेपित होगी। इसका मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है इस वायर के चारों तरफ, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, करंट पे, करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, करंट का आयाम कितना है, करंट की वैल्यू कितनी है। तीसरा, जब धारा की दिशा परिवर्तित की जाए, परिवर्तित कर दी जाए, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। जब करंट की वैल्यू आप चेंज कर रहे हो, डायरेक्शन चेंज कर दो, तो जो करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड बनने की डायरेक्शन है या मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, आपका
परिवर्तित हो जाएगा। चौथा कंसेप्ट उसने देखा कि जितनी वायर से दूरी बढ़ाता गया उतना वहाँ पे विक्षेप कम होता गया, मतलब चालक तार से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। इससे दूरी बढ़ाते गए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होगी। एक कंसेप्ट और आता है इसके अंदर, यदि ये करंट ये चालक तार में साउथ से नॉर्थ की तरफ रख के, यदि चालक तार में साउथ से नॉर्थ की ओर धारा प्रवाहित हो तो उसके ऊपर रखी चुंबकीय सुई भौगोलिक पश्चिम में विक्षेपित हो जाती है। मतलब यदि साउथ से नॉर्थ की तरफ धारा प्रवाहित हो रही है किसी चालक तार के अंदर, उसके ऊपर अगर आप चुंबकीय सुई रखोगे तो वो चुंबकीय सुई भौगोलिक पश्चिम की ओर क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी। तो ये थे ओरेस्टेड के प्रयोग के निष्कर्ष। इसके बाद में अनुभव किया लोगों ने कि चुंबकीय क्षेत्र से भी आप क्या बना सकते हो, धारा बना सकते हो। ऐसे ये कह रहा है कि धारा से चुंबकीय क्षेत्र बना रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र से भी धारा बनना क्या है, पॉसिबल है। तो उसके लिए पहले अपने को चुंबकीय क्षेत्र देखना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड होता कैसे। तो ओरेस्टेड ने बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है जब आप चार्ज को फ्लो कराते हो, जब आप उसके अंदर करंट फ्लो कराते हो। तो अपन ये देख रहे हैं हम कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा। आप इसके निष्कर्ष जो है नोट कर सकते हो कि ओरेस्टेड के प्रयोग के क्या निष्कर्ष थे। अब नेक्स्ट आगे अपन देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को अपन परिभाषा जो है, जैसे विद्युत के अंदर, इलेक्ट्रिक के अंदर अपन विद्युत क्षेत्र की परिभाषा देते हैं, वैसे चुंबकीय क्षेत्र की अपन परिभाषा नहीं दे सकते हैं। कारण कि वहाँ पे एकल आवेश का अस्तित्व था, Q को अपन सेपरेट रख सकते थे, यहाँ N और S को अपन सेपरेट नहीं रख सकते हैं। N और S को अगर तोड़ते जाएंगे अपन, किसी चुंबक को कट करते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, पहले किसी के अनुदिश तोड़ो तो हमेशा उसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल बना रहेगा। इसलिए एक चुंबकीय एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होने की वजह से इसकी परिभाषा विद्युत क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार नहीं दिया। उसके जैसी परिभाषा अपन देते हैं वैसे यहाँ पे परिभाषा नहीं देते। तो कैसे अपन इसकी परिभाषा देते हैं, तो उसको देखने के लिए एक एज्यूम करते हैं चुंबकीय क्षेत्र है, एन और एस मान लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन अपन जानते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगी। इसके अंदर अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैं इंटर कराता हूँ, चार्ज पार्टिकल क्यों मान लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जैसे मैंने इसको इंटर कराया वेलोसिटी वी के साथ, रिपीट करता हूँ, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे बी से डिनोट कर रहे हैं अपन, चार्ज पार्टिकल क्यू से डिनोट कर रहे हैं, कितने वेलोसिटी से इंटर करा रहे हैं अपन, वी वेलोसिटी से जब इसको इंटर कराते हैं तो इसके ऊपर, किसके ऊपर, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को अपन कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो जो फोर्स है वो फोर्स इस फॉर्मूले के अनुसार दिया जाता है, एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। क्योंकि फोर्स जो है वो सदिश राशि है, वेक्टर फॉर्म है, तो वेलोसिटी और बी भी यहाँ पे कौन सी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब अधिकतम फोर्स होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये अधिकतम कब बनेगा, जब वी क्रॉस बी, और जब क्रॉस हटता है तो, क्योंकि अपने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था ए और बी का, जो वेक्टर होता है ए बी मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी और साइन थीटा आता है। इस प्रकार यहाँ से वी क्रॉस बी, वी और बी वेक्टर फॉर्म में है तो वी और बी को अपन ने वेक्टर फॉर्म को चेंज कर लिया। अब अधिकतम कब होगा, जब थीटा इक्वल टू
थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो, 90 डिग्री। अगर ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के अंदर प्रवेश करेगा कोई भी चार्ज पार्टिकल, तो उसका पथ जो होगा, उसका जो पाथ होगा, वो सर्कुलर पाथ में मूवेबल होगा। इसको आगे डिस्कस करेंगे अपन, उसकी डायरेक्शन कैसे होगी। रिपीट कर रहा हूँ, यदि किसी चार्ज पार्टिकल क्यू को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्यू को किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लंबवत प्रवेश करवाते हैं अपन, तो उसकी पथ कैसा बनता है, उसका पथ वृत्ताकार पथ हो जाता है, ठीक है। उसकी त्रिज्या वगैरह देखेंगे। तो थीटा जैसे 90 डिग्री लिया, एफ इक्वल टू मैक्सिमम बन गया आपका, और एफ मैक्सिमम इक्वल टू बन गया आपका क्यू वी बी। ऑलरेडी पी वैल्यू से अपन ने मैक्सिमम ले रखा था, तो अभी अपन चर्चा कर रहे हैं बी की। तो यहाँ बी इक्वल टू बन जाएगा एफ मैक्सिमम बटा क्यू बी। यहाँ से अपन इसकी परिभाषा दे सकते हैं, किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको डिनोट करते हैं अपन बी से। इसको चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं इसको अपन। तो कैसे इसको परिभाषित कर रहे हैं अपन, देखिए इधर। यदि इस वाले फॉर्मूले को देखिए, यदि चार्ज जो लिया आपने वो एक कूलाम ले लो, चार्ज पार्टिकल जो लिया वो एक कूलाम ले लो, और जो वेलोसिटी इसकी ली अपन ने वो ले लेते अपन 1 मीटर पर सेकंड। यदि किसी चार्ज पार्टिकल को, एक कूलाम चार्ज पार्टिकल है, उसको 1 मीटर पर सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, जिसको अपन परिभाषित कर रहे हैं, उसके अंदर प्रवेश करवाया जाए, तो उसके ऊपर जितना भी मैग्नेटिक फोर्स होगा, उसके ऊपर जितना भी चुंबकीय बल होगा, वो चुंबकीय बल ही चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा। क्यू बराबर 1, वी बराबर 1 मीटर पर सेकंड, तो बी इक्वल टू, तब बी इक्वल टू आपका बन जाएगा एफ मैक्सिमम। परिभाषा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो वह क्षेत्र जिसमें किसी एक कूलाम आवेश को 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लंबवत प्रवेश करवाया जाता है, तो उस चार्ज के ऊपर, उस आवेश के ऊपर जितना चुंबकीय बल कार्य करता है, उस चुंबकीय बल का जो परिमाण होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। रिपीट करता हूँ, यहाँ से बना सकते हैं परिभाषा आप। चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें एक कूलाम आवेश को 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उसमें लंबवत प्रवेश करवाया जाता है, जिसके कारण उस पर उत्पन्न चुंबकीय बल ही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो जो बल लगेगा उसे अपन क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। अब चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक की बात कर लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है आपका टेस्ला, ऐसा ही मात्रक जो है वो टेस्ला है। अब इसका एमकेस मात्रक भी होगा, तो यहाँ से भी इसकी परिभाषा दे सकते हैं, और एक फॉर्मूला और है उससे भी अपन उसकी परिभाषा दे सकते हैं। इस प्रकार इसका एमकेस मात्रक, सॉरी ऐसा ही मात्रक जो है वो निकोला टेस्ला के नाम पे रखा गया था। इसका मात्रक और देखेंगे अपन, एक तो टेस्ला होता है ऐसा ही मात्रक, एक परिभाषा और देते अपन, फाई इक्वल टू बी डोटे, फ्लक्स की परिभाषा देते हैं अपन। तो यहाँ पे बी चुंबकीय क्षेत्र है, बी इक्वल टू आ जाता आपका फाई बटा ए। तो फाई मतलब वेबर और ए मतलब मीटर स्क्वायर, तो इसका एमकेस मात्रक जो होता है वो होता है आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि इसकी दिशा होती है किसकी, किधर से किधर, नॉर्थ से साउथ की ओर। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है क्योंकि इसकी दिशा होती है नॉर्थ से साउथ की ओर। अब इसको अगर एमकेएस न लेके अपन सीजीएस में मात्रक देखें, किसका, चुंबकीय क्षेत्र का, तो सीजीएस मात्रक इसका हो जाता है, वेबर को सीजीएस में कहते हैं मैक्सवेल, वेबर इक्वल टू सीजीएस में होता है मैक्सवेल, और मीटर स्क्वायर को होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सीजीएस में मात्रक जो होता है वो मैक्सवेल और सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात होती है, सीजीएस में जो बड़ा मात्रक होता है इसका गाउस होता है, और ऐसा ही में इसका जो बड़ा मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। तो एक टेस्ला इक्वल टू 1T इक्वल टू, एक टेस्ला इज इक्वल टू होता है 10^4 गाउस। एक टेस्ला को अपन बोलते हैं 10^4 गाउस। गाउस जो है वो सीजीएस में बड़ा मात्रक है, और टेस्ला जो है वो एमकेएस में बड़ा मात्रक, मतलब ऐसा ही मात्रक है। इस प्रकार ये टॉपिक आपका चुंबकीय क्षेत्र का टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।